मुशर्रफ हुसैन बने समाजवादी छात्र सभा के कुंदर के विधानसभा अध्यक्ष, फूल मालाओं से किया जोरदार स्वागत। मुरादाबाद में समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष असलम चौधरी द्वारा कुंदर के विधायक हाजी रिजवान की मौजूदगी में ग्राम काकड़घटा निवासी मुशर्रफ हुसैन को विधानसभा अध्यक्ष 29 कुंदर की मनोनीत किया गया। असलम चौधरी ने कहा कि मुशर्रफ हुसैन के अध्यक्ष बनने से पार्टी को बल मिलेगा। हमें पूरी आशा और उम्मीद है कि मुशर्रफ हुसैन समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे एवं एक मजबूत कमेटी का गठन करेंगे। नवनियुक्त विधानसभा अध्यक्ष का उनके समर्थकों ने अपनी हवेली होटल पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर असलम चौधरी जिला अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा कुंदर की विधायक हाजी रिजवान एवं उनके प्रतिनिधि हाजी उवैस उर्फ कलन, मोहम्मद रफी, कल्बे अली, यूनुस चौधरी, सुमित कश्यप, राजू प्रजापति, नीम सिंह, सावेज अली, रियासत चौधरी, सुलेमान चौधरी, जुनैद मुन्ना, माशूक अली समेत सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। रवि शुक्ला के साथ अजय सक्सेना की रिपोर्ट। नाम है आपका? मेरा नाम मुशर्रफ हुसैन है। मुशर्रफ भाई, आज आपका स्वागत किया है विधायक जी ने और आपके क्षेत्रवासियों ने, किस खुशी को लेकर के स्वागत किया है? समाजवादी छात्र सभा ने मेरी मेहनत को देखते हुए और मेरे कार्यों को देखते हुए समाजवादी छात्र सभा ने और माननीय विधायक हाजी रिजवान साहब ने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है, मैं उसे अपनी मेहनत के साथ और लगन के साथ में उसे पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करूंगा और निभाऊंगा। आज स्वागत करते समय क्या महसूस कर रहे हैं, किस तरह उत्साह हो रहा है दिल में? उत्साह तो ये हो रहा है, जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं उससे छात्रों का, उनके एग्ज़ाम विफल हो जाते हैं, एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं और अधिकतर छात्र ऐसे हैं जब से समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और बीजेपी की जब से सरकार आई है सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी आएगी और सबको रोजगार देने का कार्य करेगी और छात्रों को उनका हक दिलाएगी। स्वागत किया जा रहा है नेशनल हाईवे होटल पे, जस्ट आप यहाँ हैं, क्या प्रोग्राम है अपनी हवेली पर, किस चीज़ का स्वागत किया जा रहा है? देखिए, स्वागत इसलिए किया जा रहा है कि हमने अपने संगठन को जो है ये छात्र सभा में विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जिससे यहाँ छात्रों में एकजुट करने में ये पूरा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, छात्रों को समाजवादी पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे और यहाँ पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इनसे जो है पार्टी को बहुत बल मिलेगा, बहुत ताकत मिलेगी। ये बहुत होनहार, बहुत बढ़िया कर्मठ कार्यकर्ता हैं और पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में और पूरी विधानसभा में जो है ये छात्रों को जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि छात्र ही एक ऐसी ताकत है। जब भी कोई आंदोलन हुआ है, जब भी कोई अंगड़ाई ली है, चाहे देश की आज़ादी का मामला हो, चाहे कोई आंदोलन का मामला हो, जब भी छात्रों ने अंगड़ाई ली है तो उसके बाद में इस सरकार का सुपड़ा साफ ही कर दिया। अच्छा विधायक जी, विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है, मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से आप मौजूदा सपा के विधायक हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरह जनता के बीच आप जा रहे हैं? ज़बरदस्त तैयारियां हैं। नंबर एक, वोट बढ़ाने का काम, सबसे पहला काम था वोट बढ़ाने का काम। हमने बूथ, हर बूथ पर जो है अपने BLA बूथ रेबल एजेंट अपने सब तैनात किए, 445 बूथों पर एक एक बूथ का ब्यौरा हमारे पास है, क्योंकि हमने वोट बढ़ाने का काम किया। कोई भी हमारे, कोई भी 18 साल का हमारा वोटर जो है वो अपने मताधिकार से वंचित ना रहे, वो उसको जो है 18 साल के को हमें वोटर बनवाने का काम किया। हमारी टीम जो बूथ लेवल एजेंट थे वो BLO को पूरी तरह मुस्तैद रहे और पूरी तरह उनसे काम कराते। अच्छा विधायक जी, मुरादाबाद में प्रियंका गांधी का दौरा था, उनका कहना था कि इस बार कांग्रेस पार्टी हर जगह से फुल बहुमत से जीतेगी, आप सपा के मौजूदा विधायक है, कि क्या लगता है उनके इस जवान से कहने वाले शब्द जो थे वो ठीक हो पाएंगे या नहीं? कहाँ जीतेगी, सुपड़ा साफ हो जाएगा बिल्कुल, यहाँ तो जमानत ना बचेगा बेचारे की, तो कैंडिडेट भेजेंगे अपना, कहाँ से जीतेंगे। सब हवाई घोड़े थे, तीन मंडलों का सम्मेलन था, तीन मंडल का मतलब ये हुआ कि कम से कम 13 जिलों की भीड़ में इकट्ठी की थी उन्होंने। कहाँ पर जनाधार कांग्रेस का, यहाँ पर कोई जनाधार, कोई कांग्रेस का संगठन है हमारे क्षेत्र में? कोई कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता, किसी BLA, किसी बूथ लेवल एजेंट आदमी ने किसी ने कोई काम किया? कोई छात्र सभा का उसका कोई यहाँ पर कोई संगठन है? कोई युवजन सभा का कोई संगठन है? कोई मेन बॉडी का कांग्रेस का कोई संगठन है? कहाँ कांग्रेस का नाम ले रही है? कांग्रेस का सूपड़ा साफ है, यहाँ पर जमानत नहीं बचा पाएगा कांग्रेस के कैंडिडेट।